नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। न्यू जॉब वैकेंसीज जो है मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे जो न्यू वैकेंसीज है ये मध्य प्रदेश NHM की ओर से जो है निकल कर आ रही है 2022 के लिए। नोटिफिकेशन यहाँ पे जो है रिलीज़ कर दिया गया हुआ है। कौन से कैंडिडेट जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन आप लोगों से इसमें मांगा गया है, किस तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है, कब से जो है ऑनलाइन फॉर्म आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो में दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी जॉब अपडेट रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलते हैं हम लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे जो है 9/11/2022 को यहाँ पे जो रिलीज़ किया गया था नोटिफिकेशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। यहाँ पर आप देखेंगे संविदा आधार पर यहाँ पर जो है आप लोग की वैकेंसीज निकल कर आ रही है, ठीक है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन है आप लोगों से ANM आपसे मांगा गया है। ANM के रिक्त पदों पर नियुक्त के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अनुबंध 31 मार्च 2023 तक के लिए यहाँ पर होगा, ठीक है, जिसमें आगामी वर्ष वार्षिक कार्य योजना के संकीर्त अनुसार नवीनकृता किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 31 मार्च 2023 तक का यहाँ पर दिया गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है कितनी पोस्टें हैं तो आप देख सकते हैं 1200 यहाँ पर जो है पोस्टें निकाली गई है, ठीक है। महिला यहाँ पे जो है संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पद का नाम दिया गया हुआ है। यहाँ पर जो है सैलरी की बात करें तो 12,000 प्रति महीना यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन में यहाँ पर जो है 12th पास आप लोगों से मांगा गया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिक के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा पास यहाँ पर उत्तीर्ण आपसे मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद ANM यहाँ पर जो है आप लोगों से मांगा गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सहायक नर्सिंग मिडवाइफ 2 वर्ष का प्रथम पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो है नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल का जीवित पंजीयन यहाँ पर जो है आप लोगों से मांगा गया है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे क्वालिफिक यहाँ पर जो है आयु सीमा आप देख सकते हैं, एज क्राइटेरिया 21 से 43 वर्ष यहाँ पर जो है मांगी गई है। बाकी आप लोग यहाँ पर जो SC ST से आते हैं तो यहाँ पर जो है आप लोग को रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आयु में सीमा यहाँ पर छूट भी आपको दी जाएगी। नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल्स यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और डिटेल्स यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से ही यहाँ पर जो है आप लोग को इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, तो वहाँ से जो है आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। अभी जो है यहाँ पर डेट नहीं आई है, जैसे इसकी डेट आ जाएगी तो आप लोग को अप्लाई करने का यहाँ पर बता दिया जाएगा। 16/11/2022 से उपलब्ध की जाएगी, ठीक है, आवेदन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 12/12/2022 यहाँ पर रखी गई है। आपको जो है यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन यहाँ पर जो है कोई प्रोसेस नहीं होगी, ऑनलाइन ही आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। पोस्ट कौन कौन सी किस किस की यहाँ पर जो है आप पूरे ग्राफ टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया हुआ है अनुसूचित के लिए यहाँ पर जो है 324 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 120, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 240 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 192 टोटल पोस्ट है। तो टोटल इस तरीके से आपकी 1200 पोस्ट हो जाती है। काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, ठीक है, संविदा बेस पर यहाँ पर आपकी ये भर्ती होने वाली है। बाकी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आप देख सकते हैं, दिव्यांगों को यहाँ पर जो 6% यहाँ पर जो है दिया जाएगा बताया गया है, देखिए प्रस्ताव तैयार किया गया हुआ है यहाँ पर, ये चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए वो आप चेकआउट कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन में। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन को विचार नहीं किया जाएगा। तो अभी आप लोग का काफ़ी समय है, अभी डेट यहाँ पर ओपन नहीं हुई है, जैसे इसकी डेट ओपन हो जाएगी आप लोग को अप्लाई यहाँ पर करके बता दिया जाएगा बिना गलती के, किस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पर अपने PC लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से जो है आप लोग इस नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग इसके यहाँ पे जो क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। बाकी शॉर्ट में आप डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में यहाँ पर जो है डिटेल्स दिया गया हुआ है, मिनिमम यहाँ पर 21 ईयर और मैक्सिमम 43, 12th यहाँ पर जो है पास ANM आपसे मांगा गया है। ANM बेस पर आप लोग यहाँ पर जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जैसी इसकी डेट आती है तो आप लोग को यहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। आई होप दोस्तों जो भी मैंने आपको डिटेल बताई है हर एक चीज़ क्लियर हुई होगी आपकी इस वीडियो में। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह के आप लोग मुझे सपोर्ट बनाए रखिएगा अपना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।